शिकोहाबाद नगर में लगातार प्राइवेट हॉस्पिटलों का जमावड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जहां कुछ प्राइवेट हॉस्पिटलों में लगातार कई महिलाओं की डिलीवरी के दौरान मौत भी हो रही है, उसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग अनजान बना हुआ है। कटारा मीरा निवासी 35 वर्षीय गुड़िया पत्नी मुकीम को प्रतापपुर चौराहा स्थित उसके पति ने लॉर्ड कृष्णा हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए भर्ती कराया था। सुबह 6 बजे महिला का ऑपरेशन डॉक्टर द्वारा किया गया, जहां महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। सुबह 9 बजे अचानक महिला की हालत बिगड़ने लगी, जहाँ अस्पताल में तैनात स्टाफ ने बिना बताए महिला को एम्बुलेंस में आगरा ले जाने लगे। जब परिजनों ने रोका तो स्टाफ एम्बुलेंस में जबरन महिला को आगरा की तरफ लेकर चले गए। वही महिला के बहनोई मोहम्मद रिजवान ने जब एम्बुलेंस का पीछा किया तो आगरा के एक अस्पताल के बाहर महिला की मौत हो चुकी थी। जब बहनोई ने विरोध किया तो लॉर्ड कृष्ण हॉस्पिटल के स्टाफ द्वारा फाइल भी छीन ली गई और स्टाफ मौके से फरार हो गया। आक्रोशित परिजनों ने एम्बुलेंस में महिला का शव ले जाकर थाने के बाहर लेकर पहुंचे, जहां जमकर हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। वहीं पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। वहीं मृतका के परिजनों ने बताया कि महिला पर 4 वर्षीय बच्ची आयात है, वहीं महिला ने दूसरे बेटे को जन्म दिया था। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रिजवान। क्या हुआ ये आज? देखिए पैदा होने पे थी, सुबह 6:30 बजे हम हॉस्पिटल गए, ओम कृष्णा हॉस्पिटल, लॉर्ड कृष्णा हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर साहब को हमने दिखाया तो डॉक्टर साहब कह लगे सब नॉर्मल ऑपरेशन होगा, कोई कमी नहीं है। पूरी रिपोर्ट अपोर्ट कराई, पैसे भी जमा कर लिए हमारे। जब ने ऑपरेशन करवाया बच्चा 9 बजे करीब बच्चा पैदा हुआ लड़का, तो हमने डॉक्टर साहब कही हमें दिखाओ हम मरीज को। तो डॉक्टर साहब कह लगे हम आज नहीं दिखाएंगे, आपको कल दिखाएंगे। हम दिखाते नहीं है, एक दिन बाद दिखाते हैं। तो हमने ठीक है, 10 मिनट के बाद पता नहीं किरण कौन सा ट्रीटमेंट करा, कौन सा इंजेक्शन लगाया, पता नहीं उसके बाद तबीयत खराब हो गई बहुत ज्यादा। जब हम पहुंचे तो उन्होंने एम्बुलेंस बुला ली, हमने कि हम चल रहे, तो डॉक्टर साहब कह तुम ले जाओगे। जब इसके हमने अपने सगले अपने बहनों को पहुंचाया। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए फिरोजाबाद से मुकेश गुप्ता की रिपोर्ट।